तीनों को हम अच्छे से पढ़ पाए। तो हमें क्या करना है, पहले दिन से स्टार्टिंग से तीनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया है कि हम ये पर्टिकुलर चैप्टर एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे, कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से हमें रिवीजन करना है चैप्टर का, तो मॉड्यूल के जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है या क्लास में कोई भी चीज एक्स्ट्रा बताई गई है वो सारी का नोट कर लें, एनसीईआरटी में जगह भी रहती है नीचे साइड में, हाँ स्लिप लगा सकते हैं, पेजेस लगाए और मॉड्यूल और नोट्स की सारी चीजें कहाँ नोट कर लें, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने सोचा कि पर्टिकुलर टॉपिक है और ये मॉड्यूल से रिवाइज करेंगे हम लास्ट में, सिंपल लैंग्वेज में है और ये हमें याद हो जाता है आसानी, तो हम लास्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक को मॉड्यूल से रिवाइज करेंगे, कोई बात नहीं। तो आप एनसीईआरटी की बाय चांस कोई लाइन बची हुई है तो एग्जांपल बचा हुआ है वो कहां नोट कर लें, मॉड्यूल में नोट कर लें, तो या तो एनसीईआरटी को मॉड्यूल में ले आए या मॉड्यूल को एनसीईआरटी में ले आए, है ना, यानी कि सारा मटेरियल एक जगह होना चाहिए, सारा मटेरियल